हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा हट जोड़ का प्लांट। जो ये टाइम है गर्मियों का, ये टाइम इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो आपने देखा होगा कि विंटर टाइम पे इसकी जो सारी की सारी पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल गिर चुकी होती है, और सिर्फ इसकी जो ये स्टेम होती है ये ही इसमें बच जाती है। ये देखिए, इसमें पूरे जोड़ों से ये बना हुआ होता है, इसीलिए शायद इसे हट जोड़ कहते हैं। इस प्लांट की चटनी और सब्जी खाई जाती है। और ये देखिए, अगर आपके पास, आपने देखा होगा ये प्लांट विंटर में बिल्कुल इसकी सिर्फ डंडियाँ बच जाती है, और तो जैसे ही गर्मियाँ आती हैं इसमें से ये नए नए से शूट्स निकलते हैं और सुंदर सुंदर सी पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो जो ये गर्मियों का टाइम है, इस टाइम पे इसमें नई नई पत्तियाँ आना स्टार्ट होता है, और बरसात आने पे इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बरसात के मंथ में ही ये प्लांट सबसे ज़्यादा अपने ग्रोथ में आता है। तो इस टाइम पे हम इसमें कुछ काम करेंगे जिससे ये हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो प्लांट है काफ़ी छोटे से पॉट पर है, और आप इसकी ग्रोथ देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और इसकी बरसात आने पर जो इसकी जितनी भी ये जोड़ से हैं, ये देखिए टाइम बाद इसमें सब में से नई नई ब्रांचें निकलने लगेंगी। आप ये देखिए, ये कितने छोटे पॉट में है, लगभग ये 5 इंच का पॉट होगा, और इसी पॉट पे ये लगभग 3 से 4 साल से इसी पॉट पर लगा हुआ है। और वैसे तो मुझे अभी इस टाइम पर इसे रिपोर्ट करना था, लेकिन मैं अभी इसे अगस्त में रिपोर्ट करूंगी। तो इस टाइम पे हमें इसमें कुछ काम करने हैं। तो सबसे पहले आप मेरी इस पॉट की मिट्टी देखिए, मैं लगभग इसमें, अभी गर्मी है तब भी मैं इस प्लांट में हफ्ते में एक बार पानी डालती हूँ, हफ्ते में एक बार या फिर 8-9 दिन में एक बार। जैसे स्नेक प्लांट हमारा पानी से ख़राब हो जाता है, उसी तरीके से हट जोड़ का प्लांट भी अगर आप उसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो जो इसकी स्टेम है वो गलने लगती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है इसमें खुद ही पानी भरा रहता है। आप देखिए, अगर आप इसके स्टेम को दबाएंगे तो इसमें काफ़ी सारा जूस सा निकलने लगता है। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम किसी भी नुकीली चीज़ से इसकी गुड़ाई करेंगे। ये देखिए, इसकी मिट्टी मेरी काफ़ी ज़्यादा टाइट हुई है, और लगभग 2 साल से मैंने इसमें कोई कंपोस्ट डाली भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा 2 इंच की जो इसकी ऊपर की मिट्टी है मैं उसे निकाल के अलग रख लूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मिट्टी इसकी निकाल ली है। और इस प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो मिट्टी बनाते समय एक बात ध्यान रखें कि आप इसमें 50% सैंड डालें, 50% जो रेत आती है बजरी वो आप इसमें मिक्स करें, और 40% कोई भी मिट्टी, और 10% आप इसमें कंपोस्ट डाल दें, तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। क्योंकि इसकी मिट्टी हमें बिल्कुल भुरभुरी बनानी होती है जिसमें पानी ना रुके। तो ये देखिए, ऊपर की मैंने इसकी 2 इंच की मिट्टी निकाल दी है। अब मैं इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद डालूंगी। आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं, किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैं 2 मुट्ठी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा पॉट छोटा है और 2 मुट्ठी इसमें काफ़ी रहेगी। अगर बड़ा पॉट है 10 इंच का, 12 इंच का, तो आप उसमें 3 से 4 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं। तो हम इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। इस पॉट की मैंने मिट्टी इसलिए निकाली क्योंकि जब से मैंने इसमें ये प्लांट लगाया है तो मुश्किल से 1 या 2 बार ही मैंने इसमें कंपोस्ट डाली है, तो इसलिए मैं इसमें ये ऊपर की मिट्टी को हटा के इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद डाल रही हूँ। और अब इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है, पानी अब हमें इसमें अच्छे से डालना है। ये देखिए, मैंने पूरा पॉट पानी से भर दिया है, ये देखिए पूरा पॉट मैंने पानी से भर दिया है, क्योंकि ये टाइम अभी इस प्लांट की ग्रोथ का टाइम है। तो इस टाइम पे अगर हम इसमें कंपोस्ट और इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। पे आप अपने हट जोड़ के प्लांट में थोड़ा गुड़ाई और थोड़ा कंपोस्ट जरूर डालें, और इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप इसमें 20 से 25 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड कंपोस्ट डाल सकते हैं, और बीच बीच में गुड़ाई करना ना भूलें।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।